नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ का दौरा करेंगे। यहां शाह एक राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव आज यूपी के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में होंगे, तो एक कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी इस बार। बता दें कि शाह शुक्रवार शाम को वाराणसी पहुंचे थे। अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत केंद्रीय गृह मंत्री ने वाराणसी के टीएफसी में बीजेपी की बैठक में हिस्सा लिया। वाराणसी में रुके अमित शाह आज सुबह अमेठी कोठी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद करने के बाद सुबह करीब 11 बजे बड़ा ललितपुर स्थित टीएफसी में राजभाषा विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे गृह मंत्री टीएफसी के बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे अमित शाह आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखने और एक जनसभा को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह बस्ती पहुंचेंगे। यहां दोपहर करीब 3 बजे वो खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 4 बजे के बीच शिव हर्ष किसान पीजी कॉलेज में जनता को संबोधित करेंगे। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज आजमगढ़ छोड़ देंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचेंगे, ताकि इस साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने पक्ष के लिए समर्थन जुटाया जा सके। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में होंगे और अखिलेश यादव गोरखपुर में होंगे, तो आज ये तस्वीर बेहद ही दिलचस्प देखने के लिए मिल सकती है। अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा आज दोपहर लखनऊ पहुंच रही है। रथ यात्रा के लखनऊ आगमन पर भाजपा लखनऊ महानगर इकाई और अनेकों सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने मां अन्नपूर्णा के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। यात्रा का स्वागत जगह जगह घंटे घड़ियाल ढोल शंखनाद के साथ किया जाएगा। पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना और आरती की जाएगी और उपस्थित सभी श्रद्धालु व्यवस्थित रूप में दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस खास मौके पर पूजा के बाद सभी भक्तों में प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। लखनऊ आगमन में सबसे पहले सरोजनी नगर विधानसभा में मंत्री स्वाति सिंह और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु द्वारा करीब 1:00 बजे गौरी बाजार और उसके बाद चुंगी में स्वागत किया जाएगा। कैंट विधानसभा में कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन, संत निरंकारी भवन, आलमबाग चौराहा, मवैया चौराहा क्षेत्र विधायक सुरेंद्र चंद तिवारी, महापौर संयुक्त भाटिया, भाजपा प्रदेश कार्यालय के समीप विधायक डॉक्टर नीरज बोरा और करीब 2:30 बजे हनुमान मंदिर हजरतगंज पर मंत्री ब्रजेश पाठक, विभिन्न जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक माता के दर्शन लाभ और पूजन अर्चना करेंगे। हनुमान मंदिर के उपरांत रथ यात्रा राजीव चौक 1090 चौराहा, समता मुल्क चौराहा, लोहिया चौराहा होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा पहुंचेगी, जहां मंत्री अशोक टंडन भी यात्रा के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। इसके बाद माता अन्नपूर्णा की ये रथ यात्रा कामता चौराहा चिन्हट के रास्ते बाराबंकी होते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थान करेगी। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के स्थानीय युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल आज और कल यानी कि 13 और 14 नवंबर को यहां रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण अपने अपने क्षेत्रों में कार्यशील बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक संगठनों के साथ 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी ने कहा है कि जनपद के किसान ये शिकायत करते हैं कि उनकी जमीन लेकर यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, किंतु उनके बच्चों को यहाँ के उद्योगों में नौकरी नहीं दी जा रही। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिल्प हाट में 13 और 14 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि ये अपनी तरह का पहला आयोजन है, जहां तीनों प्राधिकरण स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले का उद्देश्य नियोक्ताओं और रोजगार के इच्छुक युवाओं के मध्य संवाद हेतु मंच उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से किसानों के परिजन और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि दिल्ली का पारा लगातार गिरता जा रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12.6 और अधिकतम तापमान 27
0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं शनिवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच मध्यम कोहरा छाया रहेगा। सुबह से इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा और भी ज्यादा लुढ़क सकता है। इससे सुबह शाम के साथ दोपहर में भी ठंड का एहसास बढ़ेगा। शनिवार तक अधिकतम पारा 25 और न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम में नमी 55 से 90% के आसपास रहने की संभावना है। इसके बीच हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। तो इस तरह का मौसम दिल्ली में लगातार देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा और न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से 1 डिग्री कम रहा है, जो साल सर्दी के सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। हवा में नमी का स्तर 57 से 95% रहा। वहीं IMD का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और सुबह कोहरा छाया रह सकता है। आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आएगी। वहीं अगर दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात करें तो फिर से ये गंभीर होती नजर आ रही है। आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर में है। दिल्ली में AQI 450 के करीब है, जबकि 2.5 PM अपने मानक से ज्यादा है, जो शुक्रवार की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में ठंड का असर भी देखने के लिए मिल रहा है, वहीं प्रदूषण का असर भी लगातार बना हुआ है। तो दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली में सुबह से ही ठंड का एहसास होने लगा है और पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर दिल्ली में साफ तौर पर देखा जा सकता है। घने कोहरे के बीच एक धुंध की जो चादर है वो दिखाई दी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वायु गुणवत्ता जो है वो भी बेहद खराब नजर आ रही है। तो पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ रहा है, ठंड का एहसास भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सुबह शाम ठंड का एहसास तो होगा ही, दोपहर में भी ठंड का एहसास हो सकता है। तो दिल्ली में ठंड का असर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम में एकदम से बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान में भी कुछ हद तक जो कमी है वो देखने के लिए मिल रही है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आरन खान का शुक्रवार 12 नवंबर को जन्मदिन था, लेकिन ये जन्मदिन किसी सेलिब्रेशन में नहीं NCB की पूछताछ में बीत गया। जन्मदिन के दिन NCB ने आरन खान से करीब 6 घंटे पूछताछ की। उनको शाम 4:45 के करीब पूछताछ के लिए नवी मुंबई बुलाया गया था, फिर रात को करीब 11:30 पर वो वहां से निकले हैं। बता दें कि 12 नवंबर को आरन खान का जन्मदिन होता है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर आरन खान को ड्रग्स केस से जुड़ी पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुलाया था। आरन खान ने इस दौरान पीले रंग की प्लेन टी शर्ट, ब्लू जैकेट और कार्गो स्टाइल पैंट्स पहने थे, मुंह पर मास्क लगा हुआ था। आरन खान के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आरन खान का नाम ड्रग्स केस में सामने आया था। आरन को 28 दिनों बाद जेल से जमानत मिली। एक्टर ने बेटे की रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कोर्ट ने आरन को बेल तो दे दी, लेकिन उनके सामने 14 शर्तें भी रखी गई हैं। उसी शर्त के तहत वो कल NCB के ऑफिस में मौजूद थे और इसी दफ्तर में उन्होंने अपना जन्मदिन भी पूरा मनाया है, यानी कि उनका जो पूरा दिन है वो NCB के दफ्तर में ही निकल गया। उनका जन्मदिन किसी बड़े सेलिब्रेशन की तरह नजर नहीं आया। सुल्तानपुर में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। वहीं दोनों के आगमन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए, आज उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जहां पर 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, और उसके पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि यहाँ पर जायजा लेने के बाद समीक्षा बैठक की मीटिंग भी करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों के साथ वार्ता होगी, उसके बाद मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा कि हाँ 16 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम यहाँ पर सफल बनाया जा सके। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 30 ऐसे विमान, एयरजेट और सुखोई जैसे विमान यहाँ पर लैंड करेंगे। उसी दिन
भारत कहीं ना कहीं इस देश में अपनी ताकत का भी एहसास कराएगा कि भारत के अंदर क्या दम है। अरविंद श्रीवास्तव, न्यूज़ 12 इंडिया, सुल्तानपुर।